नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू की निकासी पर बात की। अभी 30 नवंबर 2021 तक कोल्ड स्टोरों से कितनी आलू की निकासी हो चुकी है? तो आलू की निकासी पर बात बात करें उससे पहले कुछ आज सुबह के वीडियो के कमेंट पे बात कर लेते हैं। आज सुबह एक वीडियो डाला था तो उसपे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि मतलब किसी ने बोला कि ये झूठ है, किसी ने बोला ये फेक वीडियो है, और एक भाई साहब ने तो ये बोला कि मतलब मैंने आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है कि आप भी ऐसा वीडियो डाल रहे हैं। तो इसमें झूठ कुछ भी नहीं था, वीडियो मैंने ही डाला था। मेरे चैनल पे कोई दूसरा वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता है। तो आप अगर कोई वीडियो मैंने पोस्ट किया है तो आप ये तो समझ ही दीजिए कि मतलब ये वीडियो फेक नहीं हो सकता। भले ही अगर मैंने डाला हो तो गलत हो सकता है, दूसरा कोई वीडियो इस पे डाल नहीं सकता है। तो और किसी ने बोला कि आवाज मतलब उनकी नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं, ऐसा है कि आलू की बिक्री इस टाइम पे मंडी में, एक तो आलू आता है कम, 1000 पैकेट के, 500 1000 पैकेट के आसपास आलू आते हैं, और वो भी सुबह 5 से 6 बजे के बीच में बिक जाते हैं। तो जब तक मंडी में पहुंचो तब तक वहां पे सफाया मिलता है, वो आलू भी देखने को नहीं मिलता है, तो पैकेट बंद बोरे क्या दिखाएं। तो इसलिए मैं आज गया नहीं। तो सुबह मैंने सोचा कि फोन करके पता करूं कि क्या है मंडी। मैं उस टाइम पे उठा ही था, उस टाइम पे मेरे पास अरविंद जी का मैसेज भी आ गया। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो, एक क्लिप बना ली थी, बोले तो वो मुझे भेज दी। तो मैंने कहा हमने, चलो आलू का भाव तो पता ही चल गया, ये आलू का भाव है, और तो इसी क्लिप को डाल देते हैं। और फरुखाबाद जाना भी तो खाली भाव के लिए ही है, और अब मैं जाऊंगा तो कुछ मिलेगा नहीं वहां पे, तो इसलिए फिर मैं गया नहीं। और वो क्लिप इतनी छोटी थी तो मुझे लगा, और वो उनकी आवाज में थी तो मुझे लगा कंफ्यूजन ना हो जाए। तो वो कंफ्यूजन मैंने क्लियर करने के लिए मैं मंडी गया ही था एक ही दिन। तो वो ही एक ही, और कुछ लोगों ने बोला कि वो ही बोरे दिखा रहे हो। तो भाई मैंने मुंह भी नहीं धोया था उस टाइम पे, मैं उठा था खाली। तो मैंने सोचा कि अगर अब मैं मतलब नहाऊंगा धोऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा तो हो जाएगा लेट। तो मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी आपको खबर पहुंच जाए कि आलू आज मंडी में ये भाव बिका है। तो मैंने उस पे ये था कि बाइक से मैंने आवाज डाल दी कि भाई एक उसकी भूमिका एक जो क्रिएट करनी होती है वो मैंने डाल दी उसपे। तो वो ही बोरे थे, मैं अगर बैठता तो उसके लिए मुझे मतलब नहाना धोना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए आपके पास खबर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए इसके लिए ऐसा किया था। लेकिन उसका मतलब जो है गलत निकल गया, किसी ने बोला फेक वीडियो है, किसी ने बोला वो ही बोरे दिखा रहे हैं। तो उसका पर्पज ये नहीं था। हाँ ये जरूर है कि मुझे ये बोल देना चाहिए था कि जो एक मैं टैग लाइन बोलता हूँ कि मैं हूँ भूपेंद्र पथरिया, आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया, मैं हूँ इस समय आलू मंडी सातनपुर फरुखाबाद में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये चेंज कर देना चाहिए था कि मैं आलू मंडी सातनपुर फरुखाबाद में नहीं हूँ, ये मुझे बोल देना चाहिए था। ये मेरी गलती रही जो मैंने नहीं बोला। तो नेक्स्ट टाइम से कभी अगर ऐसा होगा भी तो मतलब ये बोल दूंगा कि भाई मैं मंडी सातनपुर में नहीं हूं, और ये क्लिप मैंने किसी और से मंगाई है। तो वो मतलब ये गलती हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि इससे मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, और इतना सोचा भी नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही सोचा कि ये भाव आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, बस इतना ही सेंस था उसका। लेकिन उसका लोगों ने गलत मीनिंग निकाल लिया, और कंफ्यूजन हम कम करने के चक्कर में थे लेकिन उसपे कंफ्यूजन और बढ़ गई। तो ये मेरे ख्याल से अब बात क्लियर हो गई होगी, और वो कोई फेक लोग नहीं है। अरविंद राजपूत जी चुरसैया वालों ने मेरे पास वीडियो बनाकर भेजा था, और रामलते राजपूत जो आरती है आप सब लोग जानते हैं, चुरसैया वाले अरविंद राजपूत वो भी आरती हैं, तो अक्सर मुझे वो खबर दे दिया करते हैं। और अरविंद जी तो पिछले साल भी उन्होंने एक बार मुझे वीडियो बना के, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अगर आपको याद हो इन्हीं दिनों का वीडियो था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मैं गया नहीं, तो अरविंद जी ने मुझे वीडियो बना के भेजा था। तो लेकिन उसमें मैंने ये क्लियर कर दिया था, इसमें वो क्लियरिटी नहीं हुई। तो खैर जो भी हुआ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो तो ऐसा नहीं होगा। और लेकिन बहुत सारी जगह की खबरें कुछ ऐसी होती है, कहीं दूसरी जगह क्लिप आ जाती है तो उसपे फिर मुझे मतलब वॉइस ही डाल सकता हूँ, या तो मैं वहां पे गया हूं तब फिर ऐसा हो सकता है। और मैं मतलब ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं जिन लोगों से खबरें लेता हूं
और जो लोग मेरे मतलब संपर्क में हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, तो मुझे उन पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे गलत खबर नहीं देंगे कोई भी। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कहीं से भी, चाहे वो खबर गुजरात से आ रही हो, चाहे वो खबर बंगाल से आ रही हो, चाहे वो खबर बिहार से आ रही हो, चाहे वो खबर पंजाब से आ रही हो, चाहे वो दिल्ली से आ रही हो, जहां से भी कोई खबर आती है, तो मुझे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी ने मेरे साथ मतलब वो गलत मतलब खबर दे दी है, और मुझे उन पर अविश्वास करने का कोई मतलब वो नहीं है, और मुझे उनकी बात पे कोई संदेह नहीं रहता, मेरा उन पर इतना विश्वास है। और आपका भी अगर मेरे ऊपर विश्वास है, तो विश्वास को इतनी जल्दी मत तोड़िए कि मतलब जरा सी बात में आप बोले कि मैंने चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है, आप भी दूसरे लोगों जैसे हो गए हो, आप बोरे दूसरे वही दिखा रहे हो कल वाले। अरे बोरे कल वाले हो सकते हैं, आवाज तो आज की थी, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मतलब दूसरी फुटेज थी भी नहीं, और उसके लिए मुझे लाइव बैठना पड़ता, और मैं नहाया धोया नहीं था, तो मुझे लगा कि ये चलो ये एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, ये बोरे पे मतलब मैं अपनी आवाज थोड़ी सी डाल दूंगा, और अगर डायरेक्ट कोई वीडियो डाल देता तो भी लगता कि यार ये किसी ने डाल दिया, तो इसलिए ऐसा हुआ था। खैर, करते हैं आलू की निकासी पर बात, की अभी 30 नवंबर तक जो है कितनी आलू की निकासी हो चुकी है। तो देखो, निकासी की बात करने से पहले ही मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आंकड़े जो हैं अनुमान के आधार पे ही हैं, और जो भी वीडियो छोड़ना चाहता है वो बीच में ही छोड़ सकता है, जिसको ये लगता है कि नहीं ये एक्यूरेट नहीं है। मैंने ये देखो, अनुमान बहुत बार गलत भी हो जाता है, और ये आंकड़े किसी के कोल्ड स्टोर में से बोरे गिन के नहीं आए हम, और ना ही मतलब कोई गिन के आता है। तो एक रफली अंदाज ही लेते हैं कि भाई पंजाब में कितना रह गया, बंगाल में कितना रह गया, वहां कितना रह गया, और इसके आंकड़े भी सरकारी कोई जारी नहीं होते हैं, और जारी होते हैं तो वो बहुत लेट के बाद जारी होते हैं। ये कहो कि मतलब 1 तारीख हो गई वो आंकड़ा जारी हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो जो लोग काम करने वाले हैं उसमें, तो उनसे एक रिपोर्ट मिलती रहती है, उनसे पूछते रहते हैं भैया तुम्हारे यहाँ कितना रह गया, तुम्हारे यहाँ कितना रह गया, तो ऐसे एक आंकड़ा, तो ये आंकड़े वही हैं अनुमान के ही आधार पे हैं। अगर किसी को लगे कि ये गलत है तो वो वीडियो यहीं पे छोड़ सकता है, मत देखे वीडियो कि बाद में ये कहे कि नहीं ये तो गलत है। अनुमान ही एक अनुमान के आधार पे ही है, तो वो आंकड़ा गलत भी हो सकता है। तो फरुखाबाद से जो आंकड़ा, देखो फरुखाबाद से जो आंकड़ा मिला है, फरुखाबाद में लोडिंग हुई थी 85 से 86% लोडिंग बताई थी, और जिसमें 1,76,00,000 पैकेट लोड हुए थे फरुखाबाद में, और इस टाइम पे जो है, और 1,76,00,000 का 1,80,00,000 भी हो सकता है ये, क्योंकि ये आंकड़ा जो उस टाइम पे लिया था 1,76,00,000, ये सरकारी आंकड़ा लिया था, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी बहुत लोडिंग उसके बाद भी हो जाती है। ये मार्च के टाइम पे आंकड़ा लिया हुआ था, जिस टाइम पे लोडिंग बताई थी, उसके बाद भी कुछ नए पैकेट गए होंगे, तो उन्होंने वो बोला भी था कि अभी मतलब पूरा एग्जैक्ट सारा नहीं है, और अभी तक जो मेरे पास आंकड़ा है वो 1,76,000 का है, 1,76,00,000 का, तो ये आंकड़ा 1,80,00,000 भी हो सकता है, और 85 से 86% ही मतलब बताया गया था कि इतना कोल्ड भरा है। तो अभी जो है आंकड़ा, जो मतलब ज्यादा लोगों का जो रेशियो मिल रहा है, वो 8 से 9% आलू अभी शेष है, ये 30 नवंबर तक 8 से 9%। ये आज 3 तारीख हो गई, तो 1-3 तारीख तक मतलब 1-1.5% निकल भी गया होगा, हो सकता है अभी मतलब 7-8% होगा, और लेकिन ये हम 30 नवंबर तक का आंकड़ा बता रहे हैं कि 8 से 9% आलू शेष है, और जिसमें मेरे अनुमान से जो है 14 से 15 लाख पैकेट जो है अभी होने चाहिए। टोटल लोडिंग थी 50 से 1,76,00,000, और तो 8-9% जो है आलू शेष है, वो हिसाब से जो है 14 से 15 लाख पैकेट अभी शेष होने चाहिए। कन्नौज की बात कर रहे हैं, तो कन्नौज में 5 से 6% आलू बताया गया शेष, बाकी आलू निकल चुका है, और 5 से 6% आलू कोल्डों में बचा है। बात करें आगरा की, तो आगरा से मिली जुली रिपोर्ट ये मिली, पूरे आगरा की बात कर रहे हैं, वहां पे जो आगरा बेल्ट है पूरा, तो आगरा बेल्ट में 14 से 15% आलू जो है बताया गया है कि 14 से 15% आलू अभी है। और बात करें सिरसागंज की, तो सिरसागंज में बताया गया है 16 से 17% आलू अभी बैलेंस है, और इसमें 23 लाख पैकेट का अनुमान बताया गया है कि 16 से 17% आलू है, लेकिन लगभग 23 लाख पैकेट के आसपास अभी आलू है सिरसागंज के कोल्ड स्टोरों में। बात करें बदायूं की, तो बदायूं में 6 से 7% का
आंकड़ा मिला है कि 6 से 7% वहां पे अभी कोल्ड स्टोरों में मौजूद है आलू। और संबल की बात करें तो संबल में 3-4% ही रह गया है, लगभग साफ है 3-4% आलू रह गया है, क्योंकि संबल में निकासी पहले भी ज्यादा थी, लेकिन कुछ एक निकासी जो है अभी भी मतलब बाकी रहती है। फरुखाबाद की भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोल्ड स्टोर कब तक चलेंगे, तो देखो मैक्सिमम कोल्ड स्टोर जो है वो तो ये 30 नवंबर से बंद कर दिए हैं सभी ने। 4-5-6 कोल्ड ऐसे हैं जो चलते रहते हैं, आगे तक चलते रहते हैं, तो वो ही चलेंगे। तो जो आलू अभी 14 से 15 लाख पैकेट है भी, तो ये कितने दिन चलेगा? ये मेरे ख्याल से 10 दिसंबर तक, मतलब आज 3 तारीख है, 1 हफ्ते में लगभग लगभग ये आलू सभी खत्म हो जाएगा, कैसे भी खत्म हो, क्योंकि उसके बाद मतलब कोल्ड स्टोर बंद हो जाएगा तो उसके बाद किल्ला निकल आएगा, उसमें आलू बचेगा ही नहीं, तो आदमी अब रख के क्या करेगा, उसको मार्केट में ही ले जाएगा, सेल करेगा, जैसे भी सेल होगा, जो भी सेल होगा। तो इसके बाद जो 4-5 कोल्ड में मतलब बचे हैं जो चालू रहेंगे, और उसमें ज्यादा ज्यादा आप मान लीजिए 40-50 हजार पैकेट होंगे, तो 2-4 लाख पैकेट जो है रह जाएगा बैलेंस में, और जो धीरे धीरे बिकेगा, और बाकी तो सारा आलू जो है जो कोल्ड बंद हो गए हैं वो तो निकालना ही निकालना है सब। सोरो कासगंज उजानी की बात की जाए तो सोरो कासगंज उजानी लगभग नील हो चुका है, 1-1.5% आलू कहीं होगा तो होगा, और बाकी नील हो चुका है सोरो कासगंज उजानी। किसी कोल्ड स्टोर में हो सकता है थोड़ा बहुत आलू। बात करें बाराबंकी की तो बाराबंकी में 6 से 7% आलू बताया गया है अभी है बैलेंस। और प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे 4 से 5% आलू बताया गया है कि 4 से 5% आलू बैलेंस है अभी। और बिहार की बात की जाए तो बिहार में 2 से 3% आलू बताया गया कि सिर्फ 2 से 3% आलू रह गया है, बाकी सब निकल चुका है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में सबसे पहले दिशा की बात करते हैं, तो दिशा में बताया गया है कि 7 से 8% आलू बैलेंस है अभी। जो पैकेट में अगर आंकड़ा देखेंगे तो 25 लाख पैकेट का अनुमान बताया गया कि 25 लाख पैकेट के आसपास होगा गुजरात में। और गुजरात में ही धीगम में आलू ज्यादा बैलेंस है, वहां पे 13 से 14% बताया गया है। और आल गुजरात की बात करें तो आल गुजरात में 9 से 10% के आसपास बताया गया है कि 9 से 10% आलू अभी गुजरात में होगा। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो है, पंजाब में बताया गया 2 से 3% ही आलू है खाली, और वो भी बीजा बीजा वगैरह होगा, राशन का आलू नहीं है, और जो भी रह गया है वो थोड़ा बहुत बीजा बीजा है, 2 से 3% आलू है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे, अब पंजाब की बात आई तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि ऊना कब तक चलेगा, होशियारपुर कब तक चलेगा, पंजाब का आलू कब तक चलेगा। तो देखो ऊना तो लगभग जो है समाप्त है, इक्का दुक्का थोड़ा बहुत चलता ही रहता है हमेशा, लगभग समाप्त है, और होशियारपुर चालू है, और रिपोर्ट ये मिली है कि जलंधर का भी हल्का फुल्का चालू हो गया है, तो मतलब ये आपका होशियारपुर खत्म नहीं हो पाएगा तब तक जो है जलंधर भी चालू हो जाएगा। और जलंधर का और होशियारपुर का लगभग लगभग जो है वही आपका 20-25 दिसंबर तक आलू तेजी से चलेगा, और इसके बाद जो है वो मतलब कम हो सकता है। और हमारे यहाँ का भी आलू जो है मंडियों में अभी कम जा रहा है, क्यों? हमारे यहाँ तो बरसात की वजह से जो खेत खराब हो गए थे वो आलू जा रहे हैं, तो इसलिए आलू में उसमें पैदावार ही नहीं है, इसलिए मंडी में आमदनी नहीं बढ़ रही है। और मंडी में वही 1000 पैकेट के, अब तो फिर भी हजार, अभी तो 200-300 पैकेट आ रहे थे, अभी 1000 पैकेट के आसपास आ रहे हैं। तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये 4-6 दिन और ज्यादा आलू जाएगा, 1000-1200-1500 पैकेट के आसपास, मतलब थोड़ी सी आमदनी 1000-1200-2000 पैकेट की आसपास भी हो सकती है। और 10 दिसंबर के बाद ऐसा लग रहा है कि आमदनी कम भी होने के चांसेस है, क्योंकि उसके बाद जो बारिश हुई थी उसमें आलू मोस्टली गल गए थे, उसके बाद फिर गले वो काफी गैप हो गया था उसमें, तो 10 दिसंबर के बाद आमदनी मतलब नए आलू की और भी कम हो सकती है, ऐसा अनुमान है। और उस हिसाब से अगर ऐसा हो गया तो आलू का जो टर्निंग पॉइंट होगा वो 10 से 15 दिसंबर के आसपास ही आलू का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, वहां से कुछ, क्योंकि तब तक कोल्ड जो है वो आपके सारे खाली हो जाएंगे, जो 4-5 कोल्ड स्टोर यहाँ पे बचेंगे, आगरा में काफी चालू रहते हैं, और जो बचेंगे वो मतलब जिनका कोल्ड स्टोर चालू रहेगा वो धीरे धीरे करके निकालेंगे, तो एकदम वो मार्केट में नहीं भेजेंगे, तो वहां से आलू में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ उसके बाद आलू तेज हो जाएगा या आलू मंदा हो जाएगा, अगर वहां से ऐसा लगा कि आलू थोड़ा सा कम है और नया नहीं आ रहा है
तो आलू थोड़ा सा मतलब ऊपर भी जा सकता है। और अगर 10 तारीख के बाद ऐसा लगा कि ये कोल्ड तो अभी भी खत्म ही नहीं हो रहे हैं और मार्केट में माल थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो नीचे भी जा सकता है भाव, तो जो है उससे भी नीचे जा सकता है भाव। लेकिन मतलब 10-15 के बाद एक टर्निंग पॉइंट आएगा, या तो भाव ऊपर जाएगा थोड़ा सा, या तो भाव और नीचे हो सकता है, ऐसा अनुमान है। और बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल हुगली में बताई गई है निकासी। निकासी क्या मतलब बैलेंस रह गया है वहां पे 19 से 20% अभी हुगली में बैलेंस है। मिदनापुर की बात करें तो यहाँ पे 20% बैलेंस बताया गया है, और बंकुरा में बताया गया 17 से 18% बैलेंस है। वर्धमान की बात की जाए यहाँ तो 13 से 14% आलू बैलेंस है यहाँ पे अभी। और मतलब ये हम बैलेंस वाला बता रहे हैं अभी, निकासी ना बोल के मतलब जितना बचा है कोल्ड स्टोर में वो बता रहे हैं। बीरभूमि की बात करें तो यहाँ पे 14% आलू अभी बैलेंस है। मुर्शिदाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे 10% बताया गया है बैलेंस है अभी। और हावड़ा में बताया गया है 29 से 30% आलू अभी बैलेंस है, लेकिन हावड़ा में कोल्ड स्टोर ज्यादा नहीं है, वहां पे इतनी कैपेसिटी कम होती है। और नॉर्थ बंगाल में 7% बैलेंस बताया गया है। और टोटल अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो टोटल वेस्ट बंगाल में जो है 16 से 17% आलू अभी बैलेंस है। तो ये थे मेरे हिसाब से, मेरे लोगों से जो रिपोर्ट मिली थी वो आंकड़े। अगर आपको कुछ डिफर लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं इतना नहीं, इतना है हमारे यहाँ का, और हमको उस कोल्ड स्टोर के बारे में पूरा पता है या हमको उस एरिया के बारे में पूरा पता है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे यहाँ इतना नहीं इतना रह गया है, ताकि मतलब सारे लोगों को वो चीज आपकी बात पहुंच सके कि मतलब कहीं पे अगर कोई गलती है तो उसमें सुधार हो सके। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप YouTube अगर आप आलू की खबर से हर रोज जुड़े रहना चाहते हैं तो YouTube पर बाइट मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook चलाते हैं तो Facebook पर बाइट मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं, या बाइट मीडिया ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको यही खबरें मिलती रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।